लीजिए, आइए कुछ लीजिए, 10 रुपये का है, आओ कुछ भी प्लास्टिक वाला लाएंगे बच्चे का 50 सर 100-100 रुपया वाला 50-50 रुपया वाला भाई लोग के इसके सहारे दे रहे हैं। कुछ बैट है और इसमें बॉल है, 7-8 है, मैंने बंडल ही ले लिया था, लगभग आज इतना कमाई हो गया होगा। 100 रुपया के लिए कितना घंटा यहाँ पे लग जाता है? अरे बहुत समय लगता है, बड़ बाजार नहीं है जो। इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन आप अपना देख लीजिएगा किस कैसे आपको बेचना है। ये लिख क्या लगता है, बिक जाएगा? बिक जाएगा, देख लीजिएगा आज तक कल तक। नमस्कार, मैं उंसरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरी। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी हूँ मरीन ड्राइव पर और आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे मरीन ड्राइव के देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले हमने एक बाबा का वीडियो डाला था जो कि यहाँ पर नीचे बैठ के कुरकुरे बेचते थे, जिनके पास एक हाथ नहीं था और एक हाथ से ही वो सामान अपना लेकर आते थे और यहाँ पर बेचते थे। 10 रुपये का एक पैकेट था, यहाँ से जितने बच्चे गुजरते हैं, जितने परिवार वाले गुजरते हैं, उनको रुकवा के ये बोलते हैं कि भैया मेरे से एक कुरकुरे ले लीजिए। तो हमने जब उनका इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू किया था यहीं बैठ के नीचे किया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्लानिंग है कि मैं कुछ खिलौनों को लाना चाहता हूँ और यहाँ पर बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ पर ला के बेच सकूँ। तो हमारा एक छोटा सा कमिटमेंट था कि हम थोड़ा बहुत कुछ ला के देंगे। तो हमने लगभग यहाँ पर 7-8 बार विज़िट किया, तो हमने यहाँ पे 6-6.5 बैठे थे, शायद बाबा जो हैं वो पहले निकल जाते हो यहाँ से, हमें दिखाई नहीं दिए वो। तो आज मैं फाइनली वो चीज़ लेके 7वीं या 8वीं बार आई हूँ यहाँ पर ताकि मैं उनको दे पाऊँ, और उनको भरोसा नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी बार विज़िट कर चुके हैं, उनको यही लग रहा है कि हम लोग झूठ बोलते थे शायद। तो मेरे पास कुछ बैट बॉल था जिसको मैं सोची थी कि उनको दे दूँ ताकि उनको जो भी जिस प्राइस जिस रेंज में बेचना हो वो बेच लें अपना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर बच्चों के अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, गेमिंग है, खेलने के लिए बहुत कुछ है। कुछ बैट है और इसमें बॉल है, इसमें अराउंड 7-8 है, मैंने बंडल ही ले लिया था। क्या बाबा को देते हैं और फिर आपको ढूंढ रहे हैं आप कहाँ से? नहीं, वहाँ से यहाँ आ गया, भीड़ में नहीं पता चला होगा, अलग चीज है, हम रोज आना है। आज कितना रोजना पीस लाए थे कुरकुरे? 10 पत्ता 10 पत्ता। पैसा नहीं था, पैसा मेरे पास जितना था उतना ही ला, नगद वो एक ही बचा हुआ, उसमें 3 बचा हुआ है ना? हाँ, बिक जाएगा जी, चिल्ला चिल्ला करके। क्या बोलते हैं आप लोगों को बेचना? आइए सर एक ले लीजिए, आइए सर लेके जाइए ना। हाँ। लेकिन अगर कोई बच्चा ना हो तो? न लेता, नहीं लेते हैं कोई। लगभग आज इतना कमाई हो गया होगा? 100 रुपये के लिए कितना घंटा यहाँ पे लग जाता है? अरे बहुत समय लगता है, बड़ बाजार नहीं है जो समय लग जा। चलिए, हमारे पास थोड़ा सा है बस, ये 7-8 है, आपको जो लगे जितने में लगे आपको बेचना है आप बेच सकते हैं, आपको अलग अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बंडल बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, समझ गए, निकल जाएगा, निकाल दीजिएगा और ये आप निकाल दे। ठीक है, इसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन आप अपना देख लीजिएगा किस कैसे आपको बेचना है। ये लिख क्या लगता है, बिक जाएगा? बिक जाएगा, देख लीजिएगा आज तक कल तक। एक हाथ नहीं है, कष्ट नहीं होता ना? कैसे हाथ का कैसे हो गया ये? मशीन हाथ काम करने में। अच्छा, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ, चमड़ा फैक्ट्री में। पहले से क्या लग रहा है, मंदी हो गया है यहाँ पर? मंदा मंदी होता था, ठंडे ठीक था, गर्मी में अभी ज्यादा कम होने लगे हैं लोग, अभी समय मंदा मंदी चल रहा। तो ये सब उठा के कैसे ले होंगे जब आप माथा पर? चलिए आप बेचिए, ठीक है, हम लोग आएंगे कभी तो पूछेंगे कि बिका कि नहीं बिका, कितने दिन में बिका, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं बाबा सब कुछ बेच देंगे, यहाँ पे भरोसा है लोगों को। आओ कुछ भी आइटम आवेगा देखिएगा, फिर कभी आए जल्दी लाइएगा, है ना? बैलू बाबा माला ना, मोर मछली माला प्लास्टिक वो भी ला रहे हैं। 1000 का जुगाड़ होगा तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, कर दी, जितना जल्दी करिएगा उतना ही जल्दी हम करेंगे। जितने लोग आपको देख रहे हैं हो सकता है उसमें से कोई मदद कर ले क्या? ना, ये मदद वो नहीं, जो फोन में देख रहे हैं हो सकता है उसमें से कोई आके आपका मदद कर दे। ना जी, नहीं लगता है कि कोई मदद करेगा ना। अगर हम अरेंज करा दें तो हो जाएगा,
मिल जाएगा। हाँ। और अगर हमारी काम थोड़ा सा मदद हो जाता है तो वैसे कि हम सकारात्मक कहानियों का करते हैं, आगे कोशिश करेंगे कि हमारे काम से अगर इनकी भी मदद हो जाती है तो हमारा काम सफल माना जाएगा।